तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं शुक्र का रतन। और डायमंड को हम पहन नहीं पाते हैं, पर आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ डायमंड का एक उपरतन जो कि एज इट इज़ या फिर हम कहें हु बहू डायमंड है और जिसका नाम है मोज़ोनाइट। ये देखिए, मोज़ोनाइट के बारे में आपने सुना होगा और मोज़ोनाइट जिसे हम कहते हैं डायमंड के बाद आने वाला दूसरा नंबर रतन है। और जो लोग डायमंड नहीं पहन पाते हैं या फिर उपरतन के चक्कर में बहुत पैसा खर्च देते हैं, आज मैं उनके लिए ये सारी डिटेल आपको पूरी बताने वाला हूँ कि कैसे ये आपके लिए डायमंड का एक उपरतन मोज़ोनाइट कैसे डायमंड की तरह ही आपके जीवन में असर लेकर आ जाएगा। और अगर हम इसकी चमक की बात करें तो चमक में बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है, डायमंड की तरह ही पूरे इसके अंदर जिसे हैं गुण अगर हम कहें पूरे एज इट इज़ गुण डायमंड के होते हैं। देख लीजिए आप चमक। और कैसे इसको पहनना है, कैसे इसके क्या फ़ायदे होंगे, कैसे इसको हम पूरा ओवरऑल समझेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा दूं ताकि आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी हो। देखिए इसका नाम है मोज़ोनाइट, ठीक है, और ये इसका कुछ सर्टिफिकेशन आता है और ये आगे इसकी एक लैब रिपोर्ट होती है। ये मोज़ोनाइट की लैब रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होगी। और डी जो इसका कलर ग्रेड है ये टॉप ग्रेड में आता है और इसका वज़न वगैरह क्या है ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। एज लाइक डायमंड ही है ये, क्योंकि डायमंड का जो एक जिसे हम कहते हैं एक हार्डनेस या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो बिल्कुल उसी कैटेगरी में ये आता है और बिल्कुल जिसे हम कहें डायमंड की तरह ही ये पूरे असर देता है। अब जो लोग डायमंड नहीं पहन पाते हैं, डायमंड के अभाव में कहीं वो ओपल पहन रहे हैं, कहीं वो जर्कन पहन रहे हैं, तो अब ये वो दिन गए कि अब आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आपको उसी पैसों में उसी दाम में आपको जब चीज़ बिल्कुल डायमंड मिल रही है तब हम क्यों इधर उधर भटकें। तो इसकी चमक को दिखाने के लिए देखिए अभी ये पैकिंग में है और ये पैकिंग में ही आपके सामने किस तरीके से चमक अपनी बिखेर रहा है बिल्कुल डायमंड की तरह। और ये 1.5 कैरेट का पीस है, यानी कि 1.5 कैरेट का पीस है। और अब इसको हमने पहनना किस कंडीशन में है, देखिए सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनको कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने लक्षण के अनुसार यानी कि आपको जो परेशानियां हैं वो आप समझ कर आप ये देख लोगे कि आपका शुक्र ख़राब है और शुक्र से संबंधित हमें ये रत्न पहनना है। कैसे पहनना है, शुक्र आपको सबसे पहले क्या देगा, शुक्र आपके जीवन में पैसों की दिक्कतें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करना शुरू कर देगा। आपको कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि पैसों की दिक्कतें रहेंगी, आप हो सकता है कि पैसा कमाओ पैसे की एंजॉयमेंट ना हो, आपके अंदर एक खुशी नहीं रहेगी, आपका मन हमेशा जिसे कहते हैं जला सा कुल उलझा सा रहेगा, आप हमेशा गुस्से में रहोगे, आपकी हेल्थ को कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कहीं ब्यूटी ख़राब हो सकती है, आपका ओवरऑल सौंदर्य कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है, आपकी अट्रैक्शन नहीं रहेगी, आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। आप पैसा कमाओगे तो जरूर, पर वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो पैसा पानी की तरह बह के बेमतलब के खर्चों में चला जाएगा। तो इस कंडीशंस को आपको भांप लेना है कि ऐसी कंडीशंस तभी आएंगी आपके ऊपर जब आपका शुक्र ख़राब है। और शुक्र के और दूसरी तरफ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं वो आते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, हो सकता है कि ऐसे लोगों की शादी ना होती हो, शादी को लेकर परेशान रहते हैं ये लोग, इनकी लेट मैरिज होती है। और जो लोग लव में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं उनको लव सक्सेस नहीं मिल रही है, तब उस केस में भी आपका शुक्र कमज़ोर होता है। आपको कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में दिक्कत आती है तब आपका शुक्र ख़राब होता है। आपको कहीं भी जिसे हम कहते हैं कि आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करता है तब उस केस में शुक्र ख़राब होता है, क्योंकि शुक्र जब ख़राब होगा तो बुध को मदद नहीं देगा। जो व्यक्ति शेयर मार्केटिंग वगैरह में हैं उनके लिए भी डायमंड काम करता है, डायमंड नहीं तो मोज़ोनाइट आप जेमस्टोन पहनिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मोज़ोनाइट जो एक जेमस्टोन है ये एक शुक्र का जेमस्टोन है और शुक्र के मित्र बुध शनि ये लोग मित्र की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा तो शुक्र को सही करने से बुध को भी मजबूती मिलती है, शनि को भी मजबूती मिलती है। ओवरऑल ये मजबूतियाँ आपके पूरे जीवन में एक निखार लेकर आती हैं, आपके जीवन में जो हो रहा है स्ट्रगल उससे आपको बचाती हैं। और अब मान लो जिनकी कुंडली है जिन्हें पता है कुंडली के बारे में तो वो कैसे समझें कि ये पहनने के लिए उनके लिए कैसे ज़रूरी है और कैसे वो पहन सकते हैं। अगर उनका तुला लग्न है, अगर उनकी कुंडली में नवे भाव में तुला राशि है या फिर कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो इस तरीके से वो पहन सकते हैं। बुध की कहीं पर कन्या राशि है या मिथुन राशि है तब वो पहन सकते हैं। शनि
बुध या फिर शुक्र, इनकी राशि कहीं पर आ रही है आपकी कुंडली में, अगर आप इन राशियों में जन्म लिया है आपने, तब आप ये मोजोनाइट पहन सकते हो। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र का योग है, या फिर शुक्र आपकी कुंडली में कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे पहले खाने में, छठे खाने में, नौवें खाने में अगर बैठा हुआ है, या फिर राहु के साथ है, या फिर बृहस्पति के साथ है, तब आपको इस केस में शुक्र को मजबूती देनी ज़रूरी है। शुक्र को मजबूती दोगे तो ओवरऑल चीज़ें सही होंगी, आपका फाइनेंस भी टिकेगा, आप जो पैसा कमाओगे अच्छे कामों पर खर्च होगा, नहीं तो वो फालतू में ऐसे ही पानी की तरह आपका पैसा बह जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा और क्लोज करके आपको दिखाता हूँ तो इसको आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इतनी सुंदर इसके अंदर से रेज निकल रही है कि दिल तो करता है इसको ऐसे ही देखते जाएं, क्योंकि इसकी जो एक आकर्षण है वो इसकी रेज की वजह से है। इसके अंदर जो एक लाइट का रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन ही इतने ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि बीम्स को, कलरफुल बीम्स को आपके सामने ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ये समझ लेना है कि हमें शुक्र को सही करने के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, और अल्टरनेट वे में सबसे पहली प्रेफरेंस होगी मोजोनाइट। अब मोजोनाइट को आप कैसे पहनेंगे, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, वो तरीका समझ लीजिए। इसको पहनने का तरीका यही है कि या तो आप इसको ईयर रिंग्स के रूप में पहन लीजिए, या तो आप इसको रिंग के रूप में पहन लीजिए, या तो आप इसका जो है सॉलिटेयर वगैरह बनवा के पहन सकते हैं गले में लॉकेट की तरह। और जो जेंट्स वगैरह हैं वो इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, लेडीज़ भी इसे मिडिल फिंगर में ही पहन सकती है अगर वो रिंग वगैरह बना के उसको पहनना चाहती हैं। और ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने मैरिड लाइफ के रिलेशंस को सुधारने का, कि आप हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करें, वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट करे, और इस तरीके से उनके बीच में स्नेह भी बना रहेगा, और शुक्र एक दूसरे के पास पहुँच के उनकी मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करेगा। और ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप अपने शुक्र को सही कर सकें, अपने मैरिड लाइफ के रिलेशंस को सुधार सकें। और किस तरीके से आपकी नज़र इस पे से हटेगी ही नहीं, कि इस तरीके से इसके अंदर जो रेज बनती हैं, जो इसमें कलर रिफ्लेक्शन आती है, अगर हम कहें तो ये पूरा एक डायमंड की टक्कर का एक स्टोन है, और इफ़ेक्ट्स भी वही आते हैं। जो लोग पैसे के अभाव में डायमंड नहीं पहन पाते हैं, अपने मन को मार के बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर ये मोजोनाइट को ट्राई करिए और इसके इफ़ेक्ट्स देखिए। अब मेन जानकारी समझिए कि लोग इस मोजोनाइट को ख़रीदने में अपनी जेब कटवा देते हैं, पर इतनी गारंटी है आज की वीडियो देखने के बाद उन लोगों को ज़रूर डर लग जाएगा, वो लोग ज़रूर अपना, जिसे कहते हैं जो लोगों को ठग रहे थे एक तरीके से, आज वो डर के बैठ जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताता हूँ कि दुनिया इसके चक्कर में कैसे पागल हो रही है, कैसे इसके चक्कर में लूट रही है। मार्केट में या ऑनलाइन ये आपको 4,000-5,000 रुपये कैरेट मिल रहा है, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये के कैरेट के आसपास। अगर इसकी हम रिंग की बात करें तो ये 1.5 कैरेट का है, और 1.5 कैरेट में एक अच्छी रिंग बन जाती है, एक अच्छा सॉलिटेयर भी बन जाता है। और इससे ऊपर आप जाना चाहते हो तो 3 कैरेट, या जेंट्स अगर पहने तो 3 कैरेट तक, 1.5 कैरेट भी बहुत है, 3 कैरेट 5 कैरेट फिर वो बड़े हो जाते हैं, आपकी इच्छा है पहन सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। डायमंड देखिए छोटा ही पहना जाता है, और इसको बड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा पहनने से ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, इफ़ेक्ट्स वही रहेंगे, क्योंकि इसकी जो एक ऑरा है, इसकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वही छोटे में ही वही काम करती है, बड़े में भी वही काम करती है, एक आई कैचिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। आपने पहनी होगी, लोग देखेंगे इसको, पूछेंगे डायमंड कैसे, कहाँ से लिया, ये बहुत बढ़िया है, इसकी चमक लोगों की आँखों पर लगेगी तो वो पूछेंगे, आपके नज़र नहीं हटेगी आपके हाथों से, अंगूठियों से। तो इस तरीके से मार्केट में जो मिल रहा है वो 5,000-4,000 रुपये दे रहे हैं, और ये जो मेरे हाथ में है टॉप क्वालिटी का है। टॉप क्वालिटी में आपको डी ग्रेड देखना होता है, जैसे कि डायमंड में BVS1 होता है, उसी तरीके से डी ग्रेड है, और ये राउंड ब्रिलियंट एक्सीलेंट इसकी जो है कट ग्रेड है, यानी कि डायमंड सारा का सारा होता है, और GRA लैब सर्टिफाइड ये सारी की सारी है, सर्टिफिकेशन है, ये पैकिंग है, इस तरीके से ये पैकिंग है। आपको जो मार्केट में मिल रहा है, सबसे पहले मुद्दे की बात वो करते हैं, जो मार्केट में जो आपको लोग दे रहे हैं वो 4,000-5,000 रुपए के आसपास दे रहे हैं, पर आपके लिए जो मैंने ये एडजस्टमेंट करवाई है कि आप लोग ठको ना, मतलब कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपका मेहनत का पैसा ऐसे बर्बाद ना हो सके, तो उसके लिए ये 1,800 रुपये पर कैरेट के हिसाब से आपके लिए जेमस्टोन मंगवाया है। यानी कि आप लोगों को चाहिए तो आप मंगवा सकते हो, और इसके लिए जो रिंग तैयार होगी या लॉकेट तैयार होगा
वो आप इसको सिल्वर में बनवाएंगे, सिल्वर में ही ये पहना जाता है। और इस तरह से पैकिंग होगी, और इसके बहुत सारे शेप्स आते हैं, पर उन शेप्स को आप छोड़ दीजिए। जो मेन शेप होता है वो राउंड शेप होता है, और राउंड शेप ही बढ़िया है, बाकी शेप के चक्करों में मत पड़ जाना, नहीं तो आपकी जेब कटेगी अगर आप बाहर से भी ले रहे हो। और जो भी आप लोगों के पास पहुंचेगा जेम स्टोन रिंग या लॉकेट या कुछ भी तैयार होके, वो प्रॉपर अभिमंत्रित होके ही पहुंचेगा, ताकि आपको एग्जैक्ट उसके रिजल्ट भी मिले। देखिए, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है, भरोसा है उनको कि हाँ मेरे पास जो चीज़ मिलेगी एकदम जेन्युइन मिलेगी। और उसी भरोसे को कायम रखते हुए आप लोगों के लिए ही ये चीज़ मंगवाई गई है, जिसे कहते हैं मोजोनाइट, और सही दाम पर आप तक पहुँचे, सही इफ़ेक्ट्स आपको दे। बस मेरी यही इच्छा है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।